every sunrise at Sihadri Hills offers something different. Every morning offers a picture-perfect view. आज हम देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक पे जाने वाले हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर का ट्रैक है और 6 से 7 घंटे लगते हैं वहाँ पर उस ट्रैक को करने में। पिछले 3 दिनों में हमने अंधरबन फॉरेस्ट, रायगढ़ फोर्ट और आज हम देवकुंड ट्रैक जाने वाले हैं। सो बेसिकली ये तीनों अपने आप में बहुत अच्छे, तीनों अलग अलग ट्रैक्स थे। अंधरबन ट्रैक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 13 किलोमीटर का ट्रैक था, मॉडरेट ट्रैक था, हमें अब 5.5-6 घंटे लगे उसे कवर करने में। बहुत खूबसूरत रेंज जो है वो यहाँ दिखाई देती है। और रायगढ़ फोर्ट जो है वो दैट्स अगेन किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टेप्स ज़्यादा थे। स्टेप्स ज़्यादा होने की वजह से इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एंड मतलब मैं उसको हार्ड ट्रैक ही बोलूँगा। सो यू कैन सी एक्चुअल जो फोर्ट है वो इसके काफ़ी पीछे है। ड्रोन भी कल क्लाउड्स में फंस गया था और दिख नहीं रहा था कि ड्रोन कहाँ चला गया। और आज हम देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक पे जाने वाले हैं, लेट्स गो। देवकुंड वाटरफॉल का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से होता है भैया? The guide was mentioning कि यहाँ पर बारिश आने पे 3 से 4 फीट तक पानी हो जाता है और काफ़ी इनका प्रोफेशनल सेटअप है। दे हैव टेकन आर पिक्चर्स और इन्होंने हमें कोड दिया है, तो हमें वो कोड बता करके वापस आना है। देवकुंड इज अ मिस्टिकल फॉल विच होल्ड्स माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड कंसिडर्ड सीक्रेट बाय द लोकल्स। देवकुंड वाटरफॉल काफी सेक्लूडेड है और पूरा रास्ता फॉरेस्ट से होके जाता है। You cross many streams, bridge and rocks in this trek. The length of this trek is 5.5 kilometer each side. Humidity बहुत ज़्यादा है, but तेज़ बारिश से ज़्यादा better ही है। और ये वाला trek 5.5 kilometers का है each side. पहले दिस ट्रैक वॉज 7.5 किलोमीटर्स, बट अभी इन गाइड्स ने एक नया रास्ता ढूंढा है विच इज़ 5.5 किलोमीटर्स, तो आना जाना 11 किलोमीटर। एनर्जी बचाओ और चलते जाओ। दीज ट्रैकिंग शूज वर्क्स एज अ सेवियर, वाटरप्रूफ भी हैं, सो आप छोटे छोटे वाटर पेड्स जो हैं वो इजीली क्रॉस कर लेते हैं। जो इनके नीचे ग्रिप है वो इन रॉक्स पे से जाने में आपको हेल्प करती है। देवकुंड वाटरफॉल का ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे व्यू मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, एकदम हरे भरे जंगल, बहुत इंटरेस्टिंग।
ऑलवेज कैरी दीज एनर्जी बार्स विद यू. ह्यूमिडिटी बहुत बहुत ज़्यादा आज. आगे का ट्रैक करने में आपको ठीक ठाक एनर्जी दे देगी. फन बार हैज 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. यू क्रॉस थ्रू कोंडालिका रिवर वाइल गोइंग टुवर्ड्स देवकुंड. दिस ट्रैक इज वेरी सीनिक एंड हैज मेनी ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑन द वे. कोंडालिका रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम देवकुंड वॉटरफॉल. साढ़े 5 किलोमीटर का ये ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट तो है लेकिन बहुत मज़ेदार है. सो एक बार ऊपर वाटरफॉल पे पहुँच के बहुत ही अच्छा व्यू दिखने वाला है. फोटोज़ में देख के तो ऐसे ही लग रहा था, अब रियल में जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे. वेस्टर्न घाट के ये सारे ट्रैक्स अपने आप में बहुत यूनिक हैं. अंदरबन, रायगढ़ फोर्ट और अब ये देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक. एक्साइटमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा देखने के लिए कि देवकुंड वाटरफॉल कैसा लगता है. जितने लोग आ रहे हैं वहाँ से वो सब यही बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है. और वाटर फ्लो शायद थोड़ा कम है बिकॉज ऊपर पहाड़ों में बारिश नहीं हो रही ज़्यादा. और फिर भी अभी चांसेस हैं बिकॉज क्लाउड हैं और ओवरकास्ट है. सो यू नेवर नो, मतलब वी आर स्टिल कैरिंग एन अम्ब्रेला. ये है देवकुंड का मिड पॉइंट. यहाँ से देवकुंड का डिस्टेंस अभी भी 2.5 किलोमीटर रह जाता है और इसके बाद से ये ट्रैक और डिफिकल्ट हो जाता है. यहां से ये दिखने वाला वाटरफॉल देवकुंड नहीं है बट दिस ऑल्सो लुक्स सरियल थ्रू ड्रोन. क्रैब्स और स्नेक्स आपको इस रास्ते पे मिलते रहेंगे. सो बी वेरी केयरफुल एंड ऑलवेज वेयर पैंट्स एंड हाई एंकल शूज so that you can prevent the snake and crab bites. We have already crossed 4 kilometers, but as I've told you ki लास्ट ये लेग में 1.5 किलोमीटर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये ट्रैक. सो लेट्स सी फाइनल वाटरफॉल कैसा लगता है जाके. और कितना रह गया? 15 मिनट. 15 मिनट इसी तरह से ये मतलब थोड़ा सा 5-7 मिनट पैसे पैसे वापस फ्लैट आ जाएगा. ओके, थैंक यू. सो एज आई टोल्ड यू ये सारा रास्ता बहुत स्लिपरी हो जाता है. मैं गिरने ही वाला था.
इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ट्रैक. वहां तक तो फिर भी मीडियम था, बट नाउ इट इज बिकम डिफिकल्ट. ये वाला जो फाइनल एक्साइटमेंट होता है, जहाँ पर आपको वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई तो देती है लेकिन दिख नहीं रहा होता है, सो यू गेट मोर क्यूरियस टू सी कि वाटरफॉल कितना बड़ा है और कितना सुंदर है. वी हैव रीच्ड द वाटरफॉल. ये काफी ऊपर क्लिप से गिर रहा है. द वॉटर इज क्रिस्टल क्लियर ग्रीन. यू कैन सी दोज डार्क क्लाउड्स. वॉटर फ्लो बढ़ गया है. 10 मिनट की बारिश में ये सारा पार्ट पानी से भर जाता है. 11 किलोमीटर ट्रैक फॉर दिस वॉटरफॉल is worth. Camera is not able to do justice with this, but in real this waterfall is beautiful. अब वापसी का 5.5 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है. हम आज लास्ट ही हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं. हमारे बाद और कोई नहीं है. ये सब भैया हैं हमारे साथ. दे ट्राई दे लेवल बेस्ट की किसी तरह की कोई कैजुअल्टी ना हो. कितने साल से हो यहाँ पे? और जो इस तरह की कैजुअल्टी हो जाती है, कोई डूब जाता है, कुछ हो जाता है, तो स्मूथ तरीके से चलाने में किस तरीके से हेल्प कर रहे हो? ये लाइफ जैकेट है. हम लोग कुत्ते पानी में और उसको निकलते हैं बाहर. और पूरा एक्सट्रीम बेस हो गए तो स्टेटर है. हाँ, वो सब सब लेके जाते हैं. हमारे गाइड लोग सब लेके जाते हैं. टप्पे टप्पे सब ऐसे लेके जाते हैं यहाँ से. मतलब ऐसा हुआ है कई बार कि आप स्ट्रेचर से पूरा रास्ता 5.5 किलोमीटर लेके गए हो? हाँ, लेके जाते हैं हम लोग सब. लेते हैं अपने गाइड से बाद में. हाँ, बहुत बड़ा सांप है. देखा मैंने, गिरा. कल बहुत छोटा सा सांप दिखाई दिया था, ये बहुत बड़ा सांप निकला है यहाँ. Whenever you cross from such areas, be very careful. कहीं से भी स्नेक्स निकल रहे होते हैं. स्पेशली जो अभी हमने स्नेक देखा वो बहुत ज़्यादा जहरीला था. आई डोंट नो, बट थंडर आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं?
on our way back, it started raining. The whole view was so panoramic. ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर रिवर के पास बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट इट वॉज कंटिन्यूसली रेनिंग एंड स्टार्टेड गेटिंग डार्क, सो वी डिडंट स्टॉप. Devkund will always have a special place in my memory. The whole experience was breathtaking, especially halki halki barish mein is trek se wapas jaana. देवकुंड का ये सफर हमारा यहीं तक था. चलते हैं यहाँ से अपने अगले सफर पर.